पेरी ऑपरेटिव केयर या फिर पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर जो भी टर्मोलॉजीज आती हैं उसके सेकंड पार्ट को डील करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट को पहले ही डील कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर जो हम देखते हैं, फर्स्ट में था बायोप्सी। बायोप्सी जो एक प्रोसीजर है जो हम करते हैं, आपके जीवित रहते किसी इंडिविजुअल के जीवित रहते उसकी बॉडी में से एक स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू को रिमूव कर देना, उसको एग्जामिन करना, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं बायोप्सी। सेकंड हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक प्रोसीजर है, एक सर्जरी है जिसमें हम जो भी इस तरीके की सर्जरी, जैसे कि जो भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है, कंजेनाइटल सर्जरी होती है, उसको परफॉर्म किया जाता है कंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर। जैसे कि आपकी क्लोजर ऑफ आरटीओ सेप्टल डिफेक्ट्स हो गया, या फिर क्लिफ्ट पैलेट जो सर्जरी होती है, इसके रिपेयर करने को हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी। यानी कि जो भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है सर्जरी है, उनको इसमें डील किया जाता है। देन हम देखते हैं इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी जो होती है वो एक प्री प्लान्ड सर्जरी होती है। इसके अंदर पहले से प्लान्ड होता है कि पेशेंट को पता होता है टाइमिंग क्या है, और वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनको सर्जरी करानी है। वही फिजिशियन का टाइम कि फिजिशियन को बता दिया जाता है, वहाँ की जो भी टीम होती है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एंड इसके बाद जो भी सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्टिव सर्जरी। जैसे कि कॉलिसेस्टोमी, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस सर्जरी नहीं होती, एकदम इमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसी सर्जरी को इलेक्टिव सर्जरी के अंदर लिखा गया है या दिया गया है, जैसे कि कॉलिसेस्टोमी। देन हम देखते हैं एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। एक्सप्लोरेटरी सर्जरी के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी पार्ट को कम्प्लीटली उसका क्या करना, सर्जरी करना, किसी भी ऑर्गन का कम्प्लीट सर्जरी करना, उसको एग्जामिन करना, उसको हम किस में लिखते हैं, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी के अंदर। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो हम पूरे हार्ट को मतलब निकाल के उसको एग्जामिन करते हैं, फिर उसकी सर्जरी हो रही है, तो ये आ जाता है एक्सप्लोरेटरी सर्जरी के अंदर। देन हम बात करते हैं फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन जो होता है वो हम करते हैं जो बायोप्सी प्रोसीजर होता है उसके बाद करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ही ज़्यादा कूल टेम्परेचर या कूल पॉइंट को लेते हैं और उसको हम उस एरिया पे लगाते हैं जिससे वो जगह फ्रीज हो जाती है। उसके बाद हम बायोप्सी के थ्रू उस एरिया को यू नो एग्जामिन करने के लिए निकाल सकते हैं या टिश्यू को निकाल सकते हैं। देन हम देखते हैं पैलेटिव सर्जरी। जो पैलेटिव सर्जरी होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू रिलीव और रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ आ इलनेस एंड नॉट क्यूरेटिव। यानी कि किसी भी इसी डिसीज है, लाइक कैंसर है, तो कैंसर जो ट्रॉमा वगैरह हो तो उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स का डिवीजन हो जाता है, सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी ग्रोथ होता है उनके अंदर। तो जैसे कि अगर ब्रेन के अंदर कैंसर हुआ है तो क्या करते हैं, उसको जो भी कैंसर सेल होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होता। तो इस तरीके की जो सर्जरी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैलेटिव सर्जरी। देन हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, यानी कि किसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है सर्जरी के अंदर, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी हो गई, स्किन ग्राफ्ट हो गए, या फिर इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर हो गया, या फिर बोन हो गया, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव जो सर्जरी होती हैं ये इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर हम किसी भी पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे कि चाहे वो आपकी प्लास्टिक सर्जरी हो या फिर स्किन ग्राफ्टिंग हो। देन हम देखते हैं असेप्टिक टेक्निक। जो असेप्टिक ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ऐसे प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं जिससे जो भी माइक्रो ऑर्गनिज्म है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गनिज्म है, वो किसी भी चीज़ को इन्फेक्ट ना कर पाएँ और वो चीज़ एकदम असेप्टिक बनी रहे, यानी कि एकदम फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बनी रहे। तो असेप्टिक टेक्निक्स हो गई। देन हम बात करते हैं क्लोज्ड ग्लोविंग। ओके, क्लोज्ड ग्लोविंग में हम क्या करते हैं, क्लोज्ड ग्लोविंग में हम करते हैं कि जब भी कोई पर्सन उसके लिए सर्जरी के दौरान जो भी टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो लोग जो ग्लव्स पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, गाउन के ऊपर जो ग्लव्स पहनते हैं उसको क्या बोला जा रहा है, क्लोज्ड ग्लविंग बोला जा रहा है। यानी कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्जरी के दौरान, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको उन्होंने क्या बोला है, क्लोज्ड ग्लविंग, या फिर जो टेक्निक्स होती है ग्लव पहनने की उसको बोला है क्लोज्ड ग्लविंग। देन हम बोलते हैं फॉलआउट कंटेमिनेशन। फॉलआउट कंटेमिनेशन क्या होता है, किसी भी स्टाइल सर्फेस के ऊपर कोई भी चीज़ का फॉलआउट हो जाना, जो जिससे वो जगह क्या हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रही है, वो जो स्टाइल सर्फेस है वो कंटेमिनेटेड हो रहा है, उसको उन्होंने क्या बोला है, फॉलआउट कंटेमिनेशन। देन हम देखते हैं ओपन ग्लविंग। ओपन ग्लविंग में क्या होता है, ओपन ग्लविंग में देखा जाता है कि वो जो भी पेशेंट या जो नर्स है या फिर जो भी टीम है वहाँ पे, जो कि सर्जरी में हेल्प नहीं कर रहे बट ओनली पास कर रहे हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट को, उनको गाउन पहनने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ ग्लव्स पहन लेते हैं, तो उस ग्लव्स पहनने को क्या बोला जा रहा है, ओपन ग्लविंग। यानी कि जो सर्जरी में ऐसा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको क्या बोला गया है, ओपन ग्लविंग। ओके, देन हम बात करेंगे हमारे स्ट्राइक थ्रू कंटेमिनेशन की। स्ट्राइक थ्रू कंटेमिनेशन क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू कंटेमिनेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो भी कंटेमिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ओके, तो उस कंटेमिनेशन को क्या करना है, हमें रोकना है। तो स्ट्राइक थ्रू कंटेमिनेशन में आ गया, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो भी हम
जो भी हम टेक्निक्स अपनाते हैं किसी भी कंटेमिनेटेड सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जब प्रोटेक्ट नहीं हो पाती उसके अंदर भी क्या है इन्फेक्शन, जो भी अनस्ट्रॉयल सरफेस है वो कॉन्टैक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉयल सर्फेस क्या हो रही है कंटेमिनेटेड हो रही है, और उस कंटेमिनेट होने की वजह से उसके जो भी अंदर उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी उसके अंदर आर्टिकल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं कंटेमिनेटेड हो रहे हैं। तो दैट्स फॉर द स्ट्राइक थ्रू कंटेमिनेशन। देन हम देखते हैं सर्जिकल स्क्रब। सर्जिकल स्क्रब क्या होता है, जहाँ पर सर्जरी प्रोसीजर्स किए जाते हैं, सर्जरी की जाती है, उसके बगल में एक सिंक एरिया होता है जहाँ पर सभी लोग सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद क्या करते हैं अपने हैंड्स को स्क्रब करते हैं, क्लीन करते हैं। उस टेक्निक को या फिर उस प्रोसीजर को क्या बोल रहे हैं सर्जिकल स्क्रब बोला जा रहा है। देन हम बात करते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, किसी भी एनेस्थीसिया हम सभी जानते हैं, जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, इससे पहले उस पेशेंट के ऑर्गन को या उस पेशेंट के किसी भी ऑर्गन को जहाँ पर सर्जरी की जाएगी उस जगह पर एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे वहाँ पर पेन या फिर इस तरीके की यू नो पेन ना हो और उस पेशेंट को दिक्कत ना हो या यू नो अनकम्फर्टेबल फील ना हो, तो उसके लिए हम जो भी एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो एनेस्थीसिया वही है। देन हम बात करते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वो होता है जिसको जो एनेस्थीसिया दे सकता है अच्छे से, जिसको सभी पता है कि इस तरीके से एनेस्थीसिया देना है। ओके, तो जिसके पास एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वही है जो एनेस्थीसिया दे सकता है। देन हम बात करते हैं नर्स एनेस्थीथेटिक्स की। तो नर्स एनेस्थेटिक्स वही होती हैं कि नर्स होती है जिनके पास डिग्री होती है, जिनके पास एक यू नो सर्टिफिकेट होता है कि वो क्या एनेस्थीसिया दे सकती हैं किसी पेशेंट को। देन हम बात करते हैं एनेस्थेटिक एजेंट्स की, यानी कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं किसके लिए एनेस्थीसिया देने के लिए, जैसे मीडाजोल हो गया। तो इस तरीके के एग्जांपल हैं जो हम एनेस्थेटिक एजेंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इंट्यूबेशन की। इंट्यूबेशन कौन सा प्रोसीजर होता है, इंट्यूबेशन में हम देखते हैं कि जो भी हमारा होता है क्या बोलते हैं हमारा जो ट्रैकिया होता है इसके अंदर जो भी प्रोसीजर इंसर्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, तो जो ट्यूब इंसर्ट किया जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंट्यूबेशन, जिसके थ्रू हम वेंटिलेटर को कनेक्ट करके किसी पेशेंट को यू नो एक्सपायरेशन में हेल्प कर सकते हैं, उसकी जो भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकते हैं। देन हम देखते हैं एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन प्रोसीजर क्या है, एक्सट्यूबेशन में हम जो हमने एंडोट्रैकियल ट्यूब डाला है उसको बाहर निकालना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सट्यूबेशन। देन हम देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब यही होता है कि किसी पेशेंट की कंप्लीट बॉडी पे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है उसको, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया। देन हम बात करते हैं पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक वही होते हैं कि एक पेशेंट को हम राइट दे रहे हैं कि वो अपने पेन के अकॉर्डिंग एनाल्जेसिक की जो भी दवाई है पेन किलर है वो ले सकें, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक, जिसको हम PCA लिखा हुआ है। ओके, तो आज हमने देखी सेकंड पार्ट ऑफ टर्मोलॉजी, जिसको हम पेरीऑपरेटिव नर्सिंग या पेरीऑपरेटिव केयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हमने सारी बायोप्सी, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, फ्रोजन सेक्शन, इन सभी को आज हमने डील किया। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आपको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।